हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू अभिषेक। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज आईक्यू अभिषेक में। और फ्रेंड, जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आप लोग को दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में वैकेंसीज आई हुई हैं, तो उसी को लेकर मैं आपका एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको बताऊँगा ये वैकेंसी कहाँ पर और कितनी वैकेंसीज हैं। तो आइए बिना देर करते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेक्निकल ऑफिसर की यहाँ पे पोस्टें आप लोग को दिख रहा होगा, 350 यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर्स की पोस्टें हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी 1990 तक है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपकी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब रहेगी जिसमें आपको 23,000 पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है। यहाँ देख सकते हैं आपके 160 जो पोस्ट हैं आपके यूआर की और 16 ईडब्ल्यूएस की, 90 ओबीसी की और 58 पोस्ट एससी और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर होने वाली हैं। बाकी बेनिफिट देख सकते हैं आपको टीए डीवे जो भी होगा आपको मिलेगा, जो भी कंपनी का अपना अलाउंसेस होंगे वो आपको मिलेंगे। मेडिकल बेनिफिट वगैरह भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की जॉब है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 9 मंथ, मतलब 9 मंथ का आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा। हाउएवर इट बी एक्सटेंडेबल, मतलब आपकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी कंपनी में तो इसे एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। और यहाँ क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बीटेक होना चाहिए 60% के साथ, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ इंस्ट्रूमेंटेशन में, मैकेनिकल में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी में भी आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एक्सपीरियंस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ साथ अगर आपके पास 3 मंथ का सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग वगैरह का एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। आगे हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ सेलेक्शन। देखिए एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इशूड प्रोविजनल ऑफर इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी यहाँ पर आपका किसी भी तरीके का कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पे एक मेरिट बनेगी बी बीटेक की, जिसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसे ही आपका मेरिट में सिलेक्शन होगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीबी के लिए बुला लिया जाएगा। रिजर्वेशन आप लोग देख सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन होता है वही होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देख सकते हैं मैक्सिमम एज मैंने आपको बता दिया 30 साल तक यहाँ पर यूज़ हो सकती है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर आपकी यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैदराबाद हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया और साथ साथ आपका चौथा जो है यहाँ देख सकते हैं मुंबई और कोलकाता, यानी आपकी 5 जगह पर यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। तो यहाँ पे मैं इसे छोटा करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। हैदराबाद के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा यहाँ देख सकते हैं 200 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद के हैं, जिसमें कैटेगरीज वाइज भी अलग अलग वैकेंसी को बांट दिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली में आपकी काफ़ी सारी 18 वैकेंसीज हैं, टोटल यहाँ पर 40 हैं, यूआर की 18 हैं। इसी तरीके से यहाँ बेंगलोर में भी आप देख सकते हैं टोटल 50 वैकेंसी हैं, साथ साथ मुंबई में 40 और लास्ट में कोलकाता में आपकी 20 वैकेंसी हैं। तो टोटल मिला के अगर यहाँ पर सीट्स काउंट करें तो 350 यहाँ पर आपकी सीट हो जाती हैं। बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही है कि ज्वाइनिंग से पहले आपका बीवीआर होगा यानी पुलिस वेरिफिकेशन, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। बाकी जनरल कंडीशन जैसे सभी जो आपके कंपटीशन होती है उसमें सेम रहती है, वैसे इसमें भी कोई दिक्कत आपकी नहीं है। बाकी अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई लिंक जो है www.ecil.co.in पर आप जाएंगे, वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 19/8 से लेकर 30/8 तक यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ साथ आप देख सकते हैं साइट आप लोग को दिखी गई होगी, बाकी इसमें कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और देख सकते हैं 19 से लेकर 30 तक होगा और उसके बाद सीधे मेरिट होगी। मेरिट में जिसकी मेरिट अच्छी होगी उसका सिलेक्शन डीबी के लिए होगा और डीबी होने के बाद फिर पीबीआर होने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और साथ साथ पर मंथ का 23,000 रुपये आपका पेमेंट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी अपडेट थी, मुझे बताना था ECIL के अंदर वैकेंसी आई है ताकि आप लोग अप्लाई करते हैं जिसके पास भी एक्सपीरियंस है और जिसके पास भी कोई किसी भी तरीके की बीटेक मैकेनिकल वगैरह या कोई भी डिग्री है तो उसे अप्लाई कर दें क्योंकि एक अच्छा एक्सपीरियंस आपका माना जाएगा। बाकी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रखती है तो कंपनी आपको आगे भी प्रमोट करेगी और आगे भी आपका टेन्योर पीरियड जो है आपका वो बढ़ा देगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते। मैं भी अभिषेक चित्रांश इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।